यहाँ पे प्रोफेसर जैसे लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो आम जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे। ये सत्ता में जो सरकार बैठी है ना उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं तो विवादित अपना आप उनको लगेगा। ये सब सरकार की चाल है और रतनलाल जी के साथ ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है हम ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण समाज है। कितने केस है, कितनी FIR है, कितने बलात्कारी बैठे हैं संसद में, लेकिन ये जो सरकार है ये बहुजन को कभी आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। जगह 8 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है तो वो कौन से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। वो जो लखपति बनाने की बात करें ना महिलाओं को, उनसे बोलो महिलाओं कोई लखपति बनाने की जरूरत नहीं है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है ना SC ST समाज की महिलाओं के साथ, जो दिन दहाड़े चलते सारे आम रेप हो जाते हैं, इन घटनाओं को रोको। जितने भी रेपिस्ट जो व्यक्ति होते हैं मुजरिम, इनको 2-4 पूरे देश भर में अगर 5 को भी फांसी की सजा या ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए ना तो रेप जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। हाँ, ये कहते कुछ है, रियल में करना इनको नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और करना कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं हिंदू कॉलेज के बाहर जहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भीम आर्मी से जो है तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, नेता कार्यकर्ता और जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर ये जो है प्रोफेसर रतन लाल को समर्थन देने के लिए आए हैं। किस बात के लिए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ आए हैं, धरना है हमारा, प्रोटेस्ट है, क्योंकि बीते दिन जो 10 साल से तो प्रोफेसर साहब काम कर रहे हैं, बहुजन इतिहासकार अंबेडकर नामा सर का चैनल भी आप सब जानते हैं, वो कहते हैं बाबा साहब का मैं सबसे बिगड़ा हुआ चेला हूँ। तो बाबा साहब के वो बिगड़े हुए चेले उसके अंदर का अगर अर्थ समाहित जो है जो जानते हैं अगर, तो बिगड़े हुए चेले का क्या मतलब? वही मैं बता रही हूँ, बिगड़े हुए चेले इसलिए हैं क्योंकि वो सब चीज़ को एनालाइज करते हैं, जो पढ़ा जो कहा सिर्फ उसी पर विश्वास नहीं कर लेते, उसको प्रैक्टिकली उसका एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि वो आज के समय में भी वो चीज़ एप्लीकेबल है कि नहीं, वो विचार वो परिस्थितियाँ, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ और आज में बहुत फ़र्क है ना, आज़ादी के बाद। लेकिन जो 76 साल देखिए हो गए हमारी आज़ादी को, आज भी वही जातिगत भेदभाव, जातीय शोषण, जातीय द्वेष, नफरत भर दी गई है RSS के लोगों द्वारा, हिंदू मुस्लिम, जो शिक्षा के मेन मुद्दे हैं, जो रोज़गार के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो उनसे हमें डाइवर्ट करना चाहती है विपक्ष का भी। आज हम विपक्ष में खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी जो विपक्ष के संगठन हैं जो काम करते हैं, उनको भी डाइवर्ट करना चाहते हैं कि धर्म के मुद्दे में हम फंस जाएं, हम अम्बेडकरवादी भी कहीं ना कहीं मनुवाद में फंस जाएं। तो ये जो हमारी शिक्षा है, आज ये देखिए हिंदू कॉलेज है, विश्वविद्यालय बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल कॉलेज है ये, है ना, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए एक बहुजन प्रोफेसर का शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनके घर के आगे कूड़ा फेंक दिया जा रहा है और बता रहे हैं कि विषैले, उनका प्रमोशन रोका गया है, वहाँ से उस कंपोस्ट में से विषैले कीड़े मकौड़े निकलते हैं जो उनके परिवार को भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन तब भी देखिए कि ऐसे कैसे, मतलब वो अंजू श्रीवास्तव जो हैं इनकी प्रिंसिपल, कहा जाता है कि उन पर केस है इसलिए प्रमोशन रोका गया है। देखिए केस तो क्या है, केस तो ऐसे क्या, इनकी डिग्रियां चेक करवा लो, इनका हिस्ट्री निकलवा लो, प्रधानमंत्री की हिस्ट्री निकलवा लो, ये तो किसी MLA सांसद की ब्रजभूषण देख लो आप, कितने केस हैं, कितनी FIR हैं, कितने बलात्कारी बैठे हैं संसद में, ये तो एक बुद्धिजीवी, एक FIR से क्या होता है, वो भी इन्होंने जब ज्ञान व्यापी को लेकर सिर्फ एक ही दिन में और सेम डे उनकी रिहाई हो गई थी, लेकिन तब भी उनके लिए तो ये तो विरोध है कि हम बहुजनों को बदनाम करना, बहुजन आगे ना बढ़ पाए। सर से कितने लोग इंस्पायर्ड है, हमारी पूरी भीम आर्मी, पूरा बहुजन युवा। अच्छा, बहुजन पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बहुजन पूछ लेगा तो वो ना सवाल पूछेगा, बहुजन अगर पढ़ लेगा ना तो वो अपने हक की आवाज़ लड़ जाएगा, जहाँ पे मनुवाद हो चाहे अन्य, जो धर्म की ये धर्मांधता है ना, जो धर्म की अफीम सुंघा रखी है और सब मदहोश हैं, जो दारू का नशा यहाँ पे जो धर्म है सब, जो पाखंडवाद है, उससे ना बाहर निकल जाएगा और अपनी असलियत जान जाएगा ना, तो वो फिर धरना करेगा। वो क्या बोल रही है?
अगर बहुजन पड़ जाए, अगर बहुजन जो लो समाज है अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा ना, तो जो अंधविश्वास जो चलता आ रहा है, जो आरएसएस समाज में एक जहर घोल रहे हैं हर तरह से अंधविश्वास के नाम पे, क्या वो स्टूडेंट्स हो, क्या वो कोई और पायदान हो, सब जगह जो बहुजनों का जो बहिष्कार किया जा रहा है, बहुजन पढ़ने के बाद अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा, अपने लिए शिक्षा की मांग करेगा, अपने अच्छे स्वास्थ्य की मांग करेगा, अच्छी जॉब की मांग करेगा, लेकिन ये जो सरकार है ये बहुजन को कभी आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। जिस तरह से ये प्रोफेसर रतनलाल का को प्रताड़ित कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, समय समय पे जो कहा जाता है कि अभी कभी सामने आज़ादी का 76वां अमृत महोत्सव मनाया है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, दिल्ली जो ये हिंदू कॉलेज है, ये सेंट्रल में कॉलेज आ रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर जैसे लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो आम जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, ये देखने को मिलता है। और लेकिन जो प्रोफेसर का जो किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। जो ज्योति श्रीवास्तव जी हैं उनको अपना फैसला के लिए कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर के जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको पर्सनली भी जाके हायर कर सकते हैं, उनसे पर्सनली जाके मीटिंग कर सकते हैं। प्रोफेसर जो है अपना इतिहास, जो सच्ची में इतिहास है, बहुजन इतिहास जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर हमेशा उसी हक की आवाज़ उठाते हैं, विवादित बयान दे देते हैं। कोई विवादित बयान नहीं है, अगर हम जो सामने जो गुनहगार होता है वो उसी की आवाज़ उठाते हैं तो उसने उनको विवाद, क्योंकि अभी जो सत्ता में जो सरकार बैठी है ना उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो विवादित अपने आप उनको लगेगा। कहीं आपने देखा है कि प्रोफेसर ने कुछ ऐसा गलत बोला है कि जिससे किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समाज का नुकसान हो रहा हो? जिस तरह के अभी एक सवाल आया था कि प्रोफेसर के ऊपर केस है, किस तरह के केस? उन्होंने समाज की आवाज़ उठाई थी, अपने कम्युनिटी की आवाज़ उठाई थी, तो वो किस तरह केस हुआ? भावनाएं आहत कर दी थी दूसरी लोगों। कोई भावनाएं आहत नहीं होती हैं जब ये सरकार में बैठे लोग, आप आज जो हमारे गृह मंत्री जी उन्हीं का उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, वो खुद एक तड़ीपार है, क्या किसी ने आज तक उन पर कोई उंगली उठाई? प्रोफेसर रतनलाल ने किसका मर्डर कर दिया, किसको प्रताड़ित कर दिया, किसको परेशान कर दिया, उनकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए जो उनको ऐसा बोला जा रहा है? ये सब जो है संघ की नीति है, ये सब सरकार की चाल है, और रतनलाल जी के साथ ऐसा न्याय हम नहीं होने देंगे। अगर प्रोफेसर रतनलाल जी को जल्द से जल्द न्याय नहीं दिलवाया जाएगा और उनकी जो उनकी पदोन्नति जो रोकी जा रही है उनके लिए कार्य नहीं किया जाएगा। सरकार तो कह रही है कि आप सबके सपने मेरे सपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सरकार की ये जो सरकार की जो नीति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज के लिए है। बहुजन का कोई हित नहीं हो रहा है। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास होता ना तो एक इतने एजुकेटेड प्रोफेसर के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने फिर वही मैं बात रहूँगी कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में एक प्रोफेसर के साथ ऐसा इतनी घटना हो रही है तो हम जो आम लोगों के साथ क्या करते होंगे ये लोग? आप क्या कहेंगे सर, जो मोदी सरकार जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं और मोदी जी ने कल भाषण दिया कि आप सबके सपने मेरे सपने हैं, मैं आपके लिए पसीने बहाता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ, तो फिर डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी के सपने को क्यों रोंदा जा रहा है, उनकी पदोन्नति क्यों रुक रही है, इसका जवाब कोई है आपके पास? हो सकता है वो राष्ट्रहित में ना हो। अच्छा, मोदी जी राष्ट्रहित में काम, कौन से राष्ट्रहित में काम किया है? महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं? हमारी महिलाएं रोडों पे भटक रही हैं, कौन सी जगह जगह 8 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, तो वो कौन से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं वो, ये बताइए। आज हम आज़ादी के महोत्सव मनाया गया है ना, अभी कल की बात है या 15 अगस्त मनाई गई है, लेकिन पाखंडवाद तो हमारे इधर मनोवादी जो आदमी हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो अभी भी है, तो क्या आज़ादी मिली है? महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लखपति दीदी का स्कीम लाए हैं, 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनवाएंगे जी। उन्होंने 15 लाख रुपए, 15 लाख तो दे दिए उन्होंने, ट्रांसफ़र कर दिए सभी पब्लिकों को। बताओ जिन जो मतलब पहले से इतने मतलब जो अमीर लोग थे उनके उन्होंने लोन माफ़ कर दिए, क्या उन्होंने गरीबों के लोन माफ़ किए? पैसा ले के लोग विदेश करोड़पतियों के करोड़ों का कर्जा उन्होंने माफ़ किया है। और जो लखपति बनाने की बात करें ना महिलाओं को, उनसे बोलो महिलाओं को कोई लखपति बनाने की जरूरत नहीं है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है ना, SC ST समाज की महिलाओं के साथ जो दिन दहाड़े चलते सारे आम रेप हो जाते हैं,
इन घटनाओं को रोको। जितने भी रेपिस्ट जो ये होते हैं मुजरिम, इनको दो चार पूरे देश भर में अगर पांच को भी फांसी की सजा या ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए ना, तो रेप जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। मोदी जी को बोला सच में आप कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान से चलने वाले लोग हैं, आप कह रहे हैं कि तुरंत गोली मार दो, तो एक बात बताओ कि आपने समाज की महिलाओं को ऐसी रोंदने के लिए छोड़ दिया जाए? तो उसके लिए संविधान है ना, संविधान का संविधान है तो क्या संविधान, आपको पता संविधान बदल दिया गया है, उसमें संगोल साबित कर दिया गया, नए संसद की क्या जरूरत थी, वो पैसा किसी अच्छे शिक्षा नीति के लिए लगाया जा सकता, सरकारी अस्पताल में लगाया जा सकता था, रोजगार के साधन खोले जा सकते थे, नए संसद की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें नया संसद स्थापित करना था, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनको नया संविधान लागू करना था, गुलामी से मुक्ति दिलाई है वो अंग्रेजों की बनाई थी। किसने कहा, किसने कहा आपको कि जो संविधान जो है वो देश हित में नहीं है? किसने गुलामी से नहीं, संसद की बात, संसद की बात की आपने, तो उनका कहना है कि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, वो गुलामी की याद दिला रही थी, गुलामी से मुक्ति दिला दी नए संसद से। क्या आपको पता है हमारा देश है, अंग्रेजों ने ना सबसे ज्यादा जो काम किया है, सबसे ज्यादा सही काम, सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, सब मिलके अंग्रेजों ने छुड़वाई है। आज तक इस देश को ब्राह्मणों से मुक्ति क्यों नहीं मिली है? अंग्रेजों से मुक्ति दिलवाने की बात क्यों कही गई थी? क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनकी नीतियों को जान चुके थे, हस्तक्षेप कर रहे थे उनके कार्यों में, इसलिए अंग्रेजों को देश से भगाने की बात की थी। आज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है हम ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण समाज है। अंग्रेजों की नीति अच्छी थी, अंग्रेजों का देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, सब जगह एक जैसे लोग नहीं होते, लेकिन अंग्रेजों ने देश में बहुत काम किए थे। आप कह रही हैं भारत अभी भी गुलाम है, किसका गुलाम है? ब्राह्मणवाद का, आज भी गुलाम है। 18% हमारे 85% लोग 15% पे पिछड़े हुए हैं, बताओ हमारा तो देश आज किसकी गलती है? किसकी गलती है अगर 15% वालों ने, अगर 85% वालों को कंट्रोल कर लिया है, तो गलती किसकी है? देखिए ये तो प्रशासन की गलती है ना। कैसे प्रशासन की गलती? कैसे प्रशासन, जब हमारे लोगों के, दलित लोगों की भावनाओं को ही नहीं समझेंगी, उनकी विचारधाराओं को ही नहीं समझेंगी, उनकी परेशानियों को नहीं समझेगी, तो वो तो दबे कुचले इंसान कल भी थे गुलाम और आज भी गुलाम है। लेकिन आरक्षण तो जो है बहुजनों के पास है, ज़्यादा पोस्टों पे हायरिंग उन्हीं की होती है। जो आरक्षण किसके पास है? बहुजनों के, SC ST OBC के पास है ना। परसेंटेज कितना परसेंटेज है? 100 होता है ना, 100 में से 27 किसका OBC का है, ST SC का सारे रिजर्व सीटें मिल जाए। पहले बात सुनिए, पहले ST SC और OBC का कितना होता है? 49%, 85% के लिए 49%, और जो 15% है उनके लिए 52%, तो किसके पास ज़्यादा है अब बताइए? हैं जो 52% की आबादी में है उसको 27% दिया गया है, और उसमें भी क्रिमिनलियर लगा दिया गया है, और जो 15% लोग हैं उसमें से 10% EWS कोटा कर दिया, जबकि जाटों ने और मराठाओं ने, इन सब ने आरक्षण के बारे में सवाल उठाए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किया, तो इन लोगों ने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम इस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, तो 49 से आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन 10% EWS के लिए कैसे कर दिया? और EWS का जो अभी एग्ज़ाम लोग जो दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम देकर जो आ रहे हैं, उनका जो कट ऑफ लिस्ट है वो कितना है वो आपने देखा? तो टोटल रिजर्वेशन किसको मिल रहा है? इनको मिल रहा है। अभी 3.5% लोग, 3% लोग सचिवालय पर, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस पर सिर्फ एक ही जाति के लोग बैठे हुए, तो आरक्षण का मूल फायदा किसको उठा रहा है? जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, इस पर कौन है, किसका कब्जा है इस पर? ये राम जन्मभूमि जो बनाई गई है उसमें क्या एक भी SC SC OBC है? तो आरक्षण का फायदा कौन उठा रहा है? आरक्षण तो इनको मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिला। हमारे लिए जो वैकेंसी जो आती हैं, फर्स्ट टाइम लिख दिया था नॉट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, कभी कहते हैं सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, कभी कहते हैं ये सुटेबल नहीं है, और 3 बार के बाद फिर उसको जनरल में कर दिया जाता है। और हमारी तो टोटल जो वैकेंसीज जो निकलती हैं कितनी डिजर्व कर दी गई हैं, तो रियल आरक्षण तो ये लोग उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो है, आप तमाम लोगों से आपने सुना किस तरीके से जो है, क्या 2000 कौन सा क्या लेकर आई हैं 2000
दो करोड़ महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री ने कहा है कि लखपति दीदी योजना लाए हैं। अच्छा, अच्छा। दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। अच्छा। कल ही भाषण में दिया है लाल। आपने ये भी सुना होगा कि आयुष्मान योजना जो है उसके अंदर मेडिकल एक कार्ड बनता है, 5 लाख का ट्रीटमेंट होता है। और अब मालूम है आपको, एक ही आधार नंबर और एक ही मोबाइल नंबर से लाखों रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वो कैसे हुए हैं? तो ऐसे ही ये नाम है, सिर्फ सपने दिखाते हैं। इनका काम है सपने दिखाना, लोगों को बेवकूफ बनाना है। हाँ, ये कहते कुछ हैं, रियल में करना इनको नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना। हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और करना कुछ नहीं है, करना तो सिर्फ अपने लोगों के लिए है। जाहिर तौर पर ये जो है इनको दर्द हो रहा है कि आज जो बहुजन समाज जब पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार को जानने लगा है तो इनको दर्द होता है। इसलिए ऐसे लोगों को इनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, एट्रोसिटीज की जा रही है, ताकि नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी है। ओबीसी किसने कहा ओबीसी है उनके? अरे ना वो ओबीसी है और ना एजुकेटेड है वो साबित। कभी तो कहते हैं कि मैं 8वीं 9वीं पढ़ा हुआ हूँ, कभी बोलता है मैंने चाय बेचा, कभी मैंने 35 साल चाय बेची है, कभी मैंने वो 40 साल वो भिक्षा मांगे खाया है। वो जुमलेबाज है, अपने किसी भी एक स्टैंड पर कायम रहते हैं वो। अब बता दीजिए, आज जुमलों का ऑपरेशन सबसे ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सिर्फ लोगों को ना सपने दिखाता है और जुमले देता है और उनके सपने तोड़ रहा है। वो कहते हैं भारत का सौभाग्य है कि बहुत ही सुरक्षित हाथों में देश दिया है आपने। अरे बहनों भाइयों, मैंने देखा गंदे नाले से गैस निकाल रहा था, एक वहां से चाय बना रहा था। बहनों भाइयों मैं वार रूम में बैठा था, मौसम खराब हो गया और मैंने देखा हमारे पायलट डर गए। मैंने कहा अरे मेरे दिमाग ने काम किया कि मौके का फायदा उठाना चाहिए, बालाकोट करो फटाफट, क्योंकि रडार के उसमें हमारा जहाज पकड़ा नहीं जाएगा। बहनों भाइयों, ये प्लास्टिक सर्जरी तो हमारे करोड़ों साल पहले से थी कि जो ना गणेश का ऑपरेशन कर दिया था, हाथी का सर लगा दिया था। बहनों भाइयों, ये सर्जरी हमारे बहुत पहले से थी। कितने जुमले बताएं। साफ तौर पर जो है जनता में खासा नाराजगी आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या चाहे वो युवा हो, हर किसी में बराबर की नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की जो भी नीतियां हैं वो साफ तौर पर कहना है कि वो सिर्फ नीतियां आती है लेकिन जमीनी हकीकत जो है जमीनी स्तर पर वो सफल नहीं हो पाते हैं, और जो है उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ और जो भी ब्राह्मणवाद की जो भी नीतियां उसके खिलाफ। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।